देश और दुनिया में मनाया जा रहा है आज पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए फिर से एक बड़ा ही हेल्दी और वेल्दी साल साबित हो। बिल्कुल, हेल्दी और वेल्दी साल हो, और ये भारत की अपनी परंपरा ही है, भारत का अपना योग है जो कि आज पूरा देश पूरा विश्व मान रहा है इसको। और सर 2015 के अंदर में कुछ ध्यान है, प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन के अंदर जाके बोला जी, जब प्रस्ताव रखा गया 177 देशों ने साइन किया उस ड्राफ्ट पे, और अब तक का वो सबसे ज्यादा बहुमत से वाला वो ड्राफ्ट रहा। बिल्कुल, ये भारत का दम था। ये योग एक ऐसी कह सकते हैं कि विधा है जिसके लिए कहीं कोई संशय नहीं हो सकता, सबको फायदा होता है, सबको फायदा। और ये सभी देशों को समझ में आया और उसके बाद से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आइए देख लेते हैं आज देश भर में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रांची में, और वहीं योग गुरु बाबा रामदेव भी आपके सामने यहाँ पर योग करते हुए, ये ताजा तस्वीरें आपके सामने आती हुई दिख रही है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि आज दिन भर आप इस योग दिवस पर कुछ न कुछ खास जी बिजनेस पर देखेंगे। हमारी पूरी टीम आपको अच्छे से स्वस्थ रहने के संदेश तो देगी, लेकिन इसके अलावा आप जो कुछ भी फिटनेस फ्रीक हैं, योग को फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए खास तौर से अपनी तस्वीरें भेजने का एक बेहतरीन मौका है। आप इस हैशटैग का इस्तेमाल करें, योगा एट योर डेस्क, हैशटैग योगा एट योर डेस्क, और आप अपनी योग करते हुए की तस्वीर भेजें। जी बिजनेस पर आज हम दिन भर आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, और साथ ही तस्वीरें कुछ बेहद इंटरेस्टिंग होगी हमारी टीम के साथ भी, कि किस तरह से आप काम करते हुए, कारोबार करते हुए, अपने प्रोफेशन में, घर में बिजी रहते हुए योग कर सकते हैं, चलते फिरते योग कर सकते हैं। और शुरुआत करें डिम्पी? बिल्कुल सर, शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए हमारी इन हाउस योगा गुरु हैं सपना मेहता, जो खुद एक सर्टिफाइड योगा टीचर हैं, तो हमने कहा क्यों ना उन्हीं से सीखा जाए, फायदा लिया जाए। तो आइए सबसे पहले उनकी तस्वीर देखिए कि किस तरह से उन्होंने योग करके हमें दिखाया कि जो हम भी उसे फॉलो कर सकते हैं। अधोमुख श्वास आसन, ये सपना मेहता करते हुए आपको बताते हुए कि अधोमुख मतलब मुंह आपका नीचे, श्वास लेने और छोड़ने का, छोड़ने की विधि। अच्छा सर, मेरे को जितना पता है आप भी योगा करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, हर रोज करते हैं से? हाँ, ये हर रोज तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ हफ्ते में 3 दिन करीबन हो जाता है, मतलब 3 दिन से 4 दिन हो जाता है। लेकिन ये पहला ऑफिस वाला योगा होता है कि ना? ना ना, प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से, जिसे आप कह सकते हैं वाकई में 1 घंटे का हार्ड कोर प्रॉपर योगा। सर ये श्वासासन वाला योगा? ना ना ना, शवासन वाला नहीं है, नहीं बिल्कुल भी। मतलब बीती बातें होगी, लेकिन एक जमाना था जब मैं, मतलब एक जमाना 2-3 साल पहले तक तो सूर्य नमस्कार एक साथ कर लेता था। अरे वाह। हाँ, लेकिन नहीं, एक बार सूर्य नमस्कार तो मैंने भी आपका देखा है लास्ट टाइम, पुशअप्स मतलब 25-50 पुशअप्स, ये वो मुश्किल नहीं था। लेकिन इस बार पहला शायद ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जहाँ मैं खुद योग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया कि पिछले हफ्ते में छुट्टी उट्टी पे भी था, थोड़ी तबीयत खराब थी, तो थोड़ी सी हेल्थ की रिलेटेड, मतलब इतनी वो प्रैक्टिस छुट्टी हुई है पिछले महीने भर से, हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से, अदरवाइज तो और
थोड़े दिनों में ठीक होते हैं फिर से। ये तो मतलब रामबाण दवा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि अगर आप योग करें इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। बिल्कुल, वैसे प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो पुरानी बात है कि आप बीमार पड़े बाद में दवा लेके ठीक हो, इससे अच्छा है कि पहले आप स्वस्थ रहें। और आज प्रधानमंत्री मोदी जब रांची में पहुंचे ना सर, एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की, मैं रांची इसलिए भी आया हूँ ताकि मैं ग्रामीणों से जुड़ पाऊँ, मैं झारखंड में उन आदिवासियों से जुड़ पाऊँ और नेचर के बहुत करीब है, इसलिए आज उनका मैसेज ये भी बहुत लाउड एंड क्लियर था। क्या ठीक है, हम तो चाहते हैं कि आपके रोग भगे और ये योग से ही भगे। ये योग दो तरह का है, एक तो मार्केट का योग है जिसमें आपको कहाँ पे श्वास अंदर रखना है यानी कि किसको लेना है और किसको छोड़ना है इसके बारे में बातचीत होगी, और ये जो फिजिकल योग है जिससे आप स्वस्थ रहेंगे ये तो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो आज मार्केट का योग और शरीर से जुड़ा हुआ योग दोनों आपको एक ही स्क्रीन पर दिखेगा जिसका नाम है जी बिजनेस। तो सर मार्केट शुरू करें। बिल्कुल, मार्केट की करते हैं शुरुआत। सर कल एक ड्रोन गिर गया, ड्रोन गिरने के बाद अमेरिका ने ट्वीट किया, पहले कहा कि ईरान ने गलती की है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनसे गलती वो वाला गलती से होगी, गलती से गलती होगी। ये कैसे? तो बस यही है, ट्रंप साहब को भी तो जल्दी बहुत है ना ट्वीट करने की, उंगलियां इतनी चलती है क्या बताएं। मतलब अरे भाई गिरा है, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दुनिया के सबसे बड़े, थोड़ी शांति तो रखो, इतना जल्दी क्या है बोलेंगे ईरान ने बहुत बड़ी, मतलब ईरान मैड बिग मिस्टेक। पर अरे भाई थोड़ा पूछ लेते हैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, आप कहते हैं अमेरिका की सबसे बेस्ट है, इतनी हड़बड़ी क्या है? मतलब ऐसा हड़बड़ी वाला प्रेसिडेंट मैंने देखा नहीं, मतलब लेकिन ठीक है, अब उन्होंने कर दिया, हाँ ट्विटर प्रेसिडेंट और इतनी हड़बड़ी में कर दिया। अच्छा सबसे बड़ी मजे की बात है, एक बार वो कर देते हैं कुछ भी, वापस फिरने में भी टाइम नहीं लगाते, तो कर दिया और क्रूड हो गया 65। फिर बाद में उनका आया कि नहीं, उन्होंने तो गलती से गिरा दिया था, उनका इरादा ऐसा नहीं था, ठीक है अब धीरे धीरे क्रूड वापस नीचे आएगा, क्रूड वापस नीचे ठंडा हो जाएगा। तो कम से कम ये किया, हाँ डैमेज थोड़ा हुआ है लेकिन कम से कम दिक्कत चिंता तनाव की बात नहीं है, जब ट्रंप साहब ने फिर से संकेत दे दिए कि ये काम गलती से हुआ है, इसलिए मैंने ग्लोबल संकेत आज पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। सब जगह तो तेजी है, देखिए ये इसको है ना वो एक ग्लोबल मार्केट्स का स्वीट स्पॉट कहते हैं, जब आपको इक्विटी में तेजी दिखे, जब आपको गोल्ड में तेजी दिखे, सर 5-6 साल का हाई पे है, हाँ जब आपको करेंसी में तेजी दिखे, हमारा करेंसी, जब आपको मेटल्स तेजी दिखे, पुल बैक स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, और जब आपको डेट में तेजी दिखे, ब्याज दरें घटने में बॉन्ड के दाम बढ़ते हैं, तो फिक्स इनकम में भी तेजी है, तो ये सारी आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता कि सारी एसेट क्लास एक साथ बढ़े, और वो सही भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा एक पीरियड आता है, योग बन जाता है, हाँ योग बन जाता है कि सारी एसेट क्लास में तेजी हो रही है, तो वो वाला माहौल है, एंजॉय कीजिए इस पीरियड को, ठीक। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट के संकेत न नेगेटिव है न न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, और ये मैंने बोल्ड इसीलिए लिखा है, और इस पॉजिटिव होने की एक संकेत फिर से आप हांगकांग को देख लीजिए जरा, हाँ इस बीच जरा हरियाली में आने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल आ चुका है सर, हरे निशान में आया बकायदा, और अब 3 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है हांगकांग का बाजार, ठीक है थोड़ी देर पहले 150 पॉइंट तक के नुकसान था इसके अंदर, टेलीकास्ट पहुंच गया हांगकांग, हाँ टेलीकास्ट पहुंच गया सर, और हांगकांग का बाजार भी अब काफी तेजी से सुधरता दिख रहा है, एसजेक्स निफ्टी के अंदर भी सुधार आया है, सुबह सुबह आपको एसजेक्स निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा था, एक बार तो 20 पॉइंट तक भी चला गया था, अब सिर्फ 7-8 पॉइंट ही है, और ये हो सकता है एक बेहतरीन मौका भी मिले, कल 150 पॉइंट के ताबड़तोड़ तेजी के बाद आज अगर आपको फ्लैट भी मिल जाए तो समझिए कल का कारवा और आगे बढ़ेगा। खैर जिस हम कारवे की बात बोल रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें और हैं, उसमें FIs हैं, DIs हैं, ट्रेंड है, सेंटिमेंट्स हैं, इन सब पे भी अभी आपके सामने व्यू रखने वाले हैं कि सर क्या होगा उस पे। FIs न्यूट्रल है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट कॉशस से पॉजिटिव हो चुका है, और ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। अच्छा ट्रेंड न तो 3 दिनों की 4 दिनों को कमजोरी से नेगेटिव हुआ है, न कल की तेजी से पॉजिटिव हुआ है, न्यूट्रल है, अभी तक न्यूट्रल है, थोड़ा और देखेंगे फिर उसके बाद इसे पॉजिटिव करेंगे, एक दिन की तेजी से पॉजिटिव भी नहीं हो जाएंगे, ये क्लियर है, ठीक है सर। फिर आज के निर्णायक लेवल, निर्णायक लेवल 11800 है आज निफ्टी का, बढ़कर आया 100 पॉइंट ऊपर, और 30700 है बैंक निफ्टी का, ये भी बढ़कर आया है आपके लिए 200 पॉइंट ऊपर, तो ये दो आपके लिए हो गए निर्णायक लेवल, 11800 और 30700 रेंज, बेहद इंटरेस्टिंग है नोट कर लीजिएगा, 11800 11900 निफ्टी की छोटी रेंज है आज के लिए, ठीक है। इस बीच में थोड़ा सा 11850 के आसपास का रुकावट का मामला है, कल के हाईस के आसपास का, वो छोटा सा लेवल इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने सीधा 11900 दिया है,
11725 से 11925 आपके लिए मीडियम रेंज है, और जो बड़ी रेंज निकल कर आती है वो है 11675 से लेकर 11950 की। ये तीसरी और बड़ी रेंज है जिस पर आपको रखनी है नजर। अब आइए बैंक निफ्टी, 30650 30850 ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए छोटी रेंज का काम करेगी, और मीडियम रेंज जो है वो 30,500 से लेकर 30,950 की निकल कर आती है। एक्सट्रीम रेंज के केस में बेहद इंटरेस्टिंग है, 30,350 नीचे की तरफ और 31,050 ऊपर की तरफ। कल पहला संकेत ऐसा है कि रेंज ऊपर शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है, वो संकेत निफ्टी पर अभी आना बाकी है, बैंक निफ्टी पर पहला आया है। लेकिन चूंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है डिम्पी, और कल एक्सपायरी का दिन था, और पहली बार संकेत आया, इसलिए इन संकेतों को मैं निर्णायक रूप से नहीं मान रहा। अच्छा, कल की 11,825 की तेजी को मैं निर्णायक रूप से नहीं मान रहा कि हमने 11,825 को पार कर लिया क्लोजिंग बेसिस पे। मैं आज एक बार फिर देखूंगा, आज मुझे 11,825 के ऊपर भले फ्लैट क्लोजिंग मिल जाए, 5-6 पॉइंट नीचे भी मिले चलेगा, लेकिन आज 11,825 के ऊपर बंद होना जरूरी है। बैक टू बैक चाहिए दो दिन की क्लोजिंग। हाँ, क्योंकि कल की तेजी में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन शॉर्ट कवरिंग का था, और आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है, ठीक है। तो एक दिन की तेजी को मैं बहुत कॉन्फिडेंस से अच्छा नहीं मान रहा, बुरा कुछ नहीं है, लेकिन ये सोच ले कि हाँ हमने 30,700 को पार कर लिया, या हम सोच ले कि 11,825 के ऊपर क्लोज हो गए, अब तो ट्रेंड पॉजिटिव आज ही हो जाना चाहिए, जी नहीं। आज अगर और बंद हुआ तो सोमवार को हम बोलेंगे कि ट्रेंड पॉजिटिव। तो ये कल की क्लोजिंग अच्छी है, भरोसे के लायक नहीं। आज पक्का करने का दिन है, पक्का करने का दिन है, ये सही शब्द है, आज पक्का करने का दिन है, आज पक्का करना है। आज हम आज पूरा पक्का मन बनाएंगे कि भाई सब कुछ बढ़िया है, ये आज की पॉजिटिव क्लोजिंग है। मैं पॉजिटिव भी छोड़ दीजिए, भले निफ्टी 6 पॉइंट नीचे बंद हो जाए, भले ही बैंक निफ्टी आपका 11,781 बंद हुआ है, 70-80 पॉइंट नीचे बंद हो जाए, 30,700 के ऊपर बंद हो, मुझे 30,700 के ऊपर की 11,825 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी पर आज, और ये हफ्ते की क्लोजिंग होगी। इन लेवल पर आज हम बंद होते परफेक्ट है हफ्ते के। अच्छा सर, जब आप रेंज बता रहे हैं तो जरा एक चीज बताइए, कल 150 पॉइंट की एकदम से ताबड़तोड़ तेजी रही, आज वैसा माहौल है या फिर नहीं, बिल्कुल आधा नहीं। है या उसका चौथाई है, कितना है? आज है ना रस्सा कशी का दिन है, ताकत आजमाइश का है, और दोनों जोर लगाएंगे, दोनों जोर लगाएंगे। देखो जिन्हें बेचना है उनके मुंह में पानी आएगा। भाई एक एक दिन पे कल एक चीज मुझे बताइए, कल क्या बढ़ा? कल जो जो मुझे ये बताइए कोई म्यूचुअल फंड या FI अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए आज से खरीदना चाहता है? नहीं अभी तो कोई नहीं, इनमें से एक भी? सभी में अभी तलवार लटक रही है, सब पे कुछ कुछ दिक्कत है, एक भी नहीं है सर? नहीं, इसमें से एक भी नहीं होगा तो फिर ये क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी, कमजोर क्वालिटी के शेयरों में ओवरसोल्ड होने की वजह से शॉर्ट कवरिंग। अब वो शॉर्ट कवरिंग जेट में NCLT की मीटिंग, जेट में NCLT की मीटिंग है, ये क्या कल सुबह कल दोपहर के बाद थोड़ी पता चला था? ये तो पहले से पता है, दो दिन से पता। अब रूमर चल रही है ये ले लेगा वो ले लेगा, ऐसे बिक जाएगी वैसे बिक जाएगी, ये सारी चीजें चलेंगी। तो कुल मिलाकर ये कि मुझे मजा कब आए, जब TCS बढ़े, जब मारुति बढ़े, है ना, जब कोई कोटक बैंक या HDFC बैंक बढ़े, कोई रिलायंस बढ़े, मतलब क्वालिटी शेयर्स अगर बढ़ेंगे तो वो मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा देंगे। अगर 50-50% वो शेयर बढ़ते हैं जिन्हें मैं कल देखना भी नहीं चाहता था, 100% सर, 100% जिसे मैं कल देखना भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाना, ये तो 20 का भी जीरो हो जाएगा, वो शेयर अगर 20 वाला 60-70 हो जाता है तो फिर डर तो लगेगा ना आपको। तो इसलिए मेरा ये मानना, इसलिए मैं ये नहीं कह कल तेजी होगी, हम दो दिन से ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि मंदी मत करिए। आज मैं आपको सिर्फ कल भी ये बात बोली, जो कल भी बोली, गिरने वाले शेयर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है उनको अब शॉर्ट मत करो। कल 10:15 के आसपास हमारा ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, कमजोर क्वालिटी के शेयरों में शॉर्ट काट लीजिए, बिल्कुल भी शॉर्ट मत रहिए, स्क्रीन आपको बता रही है कि आपको शॉर्ट नहीं रहना है इनमें। रिलायंस कैपिटल का एग्जांपल हमने रखा था सामने, एग्जैक्टली तब रिलायंस कैपिटल मुश्किल से 3-4% ऊपर था, बट पॉइंट सिंपल ये है कि कल की तेजी हुई है, उम्मीद भी थी, लेकिन इंडेक्स की तेजी अच्छी है, लेकिन उसमें एक इफ और बट लगता है, वो है एक्सपायरी का। स्टॉक्स की तेजी अच्छी है, लेकिन जिन क्वालिटी शेयरों में तेजी चाहिए वो नहीं है, इसलिए मैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर खुश हूं, लेकिन कूद नहीं रहा, कह रहे ये सब बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया, हम आज और देखेंगे, एक दिन और इंतजार करेंगे। ठीक है, एक दिन और है, शुक्रवार है, फिर दो दिन थोड़ा शांति भी रखिएगा, फिर सोमवार से नई पारी भी शुरू हो जाएगी। तो देखिए एक चीज और है डिम्पी,
इन सब शेयरों में जो कल बढ़े हैं, हम खुद भी बेरिश थे, कई हाँ, दिनों से थे, लेकिन कल पहली बार जैसे ही इन्होंने रिवर्सल के सिग्नल दिए, हमने सबसे पहले पकड़ा और बोला भी उसी तरह से, अगर आज तेजी या मंदी की तरफ कहीं कोई रिवर्सल आएगा भी तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर पकड़ेंगे और आपको बताएंगे, ये गारंटी है, स्क्रीन का एक्शन नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी दे सकते हैं। तो आपका मिस नहीं होगा, मिस किसका नहीं होगा, उन लोगों का जो टीवी देख रहे हैं, उन लोगों का नहीं जो फेसबुक और ट्विटर पर ट्वीट पढ़ते हैं, उनके लिए तो वक्त लगता है, वो तो सुबह वाला ट्वीट देख के शाम को दुखी होंगे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं, ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं, आपको हर वक्त टीवी स्क्रीन पर, ट्रेडिंग स्क्रीन पर टच में रहना है। आप ये सोचें कि जब मैं ट्वीट आएगा देखूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा, या तो हमने 8 बजे जो ट्वीट डाला, 9:08 की ओपनिंग, अगर कुछ अलग हो, आप देख लीजिए कल का केस, अशोक लेलैंड और एक और शॉट कौन सा था, दूसरा टीसीएस था, दोनों डीहाई पे बंद, दोनों डीहाई पे बंद हुआ, दोनों हमने बोला कि मत कीजिए 9:08 बोला था कि बता रहे हैं, बट आपको इसमें नहीं करना, हाँ, अगर गैप से खुलेंगे इन्हीं लेवल पे खुलेंगे, नहीं करना है, सिंपल चीज, ये तो होना ही है, रिवर्सल होंगे इंट्राडे में होंगे, क्या पता आज ऊपर से रिवर्सल हो, क्या पता नीचे खुल के फिर रिवर्सल हो, एक्शन तो होगा, हम पकड़ेंगे, ठीक है। और ये बात तो आपको पुख्ता पता ही है और आपका कॉन्फिडेंस भी, आप हमारे साथ हैं, हमको भी पक्का यकीन है कि मार्केट के एक्शन के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो जी बिजनेस, यहीं से आपको सबसे पहले एक्शन पता लगता है। खैर, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और मैं जरा को ये पता करना है कि कल की जिनकी लॉन्ग पोजिशंस हैं, आज वो मन बनाए बैठे हैं कि थोड़ा और बाजार चलना चाहिए, तो सर उनको क्या करना है, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप दूंगा, डिम्पी सर ज़्यादा डीप नहीं है, 11675 यहीं से तो चले हैं, क्लोजिंग बेसिस डीप बनता है स्टॉप लॉस, हाँ, अगर आप बहुत सेफ रहना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, तो 11800 रख लीजिए, सिर्फ 30 पॉइंट का रिस्क लीजिए अगर आपको बहुत सेफ रहना है तो, लेकिन अदरवाइज सही स्टॉप लॉस और नीचे का बनता है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ से जो चले तो सारा ही वापस ले लोगे तो फिर बचा गया 11640 निकल के आ रहा है, एंजॉय करेगा फिर 11640 निकल के आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने 11675 दिया है, बट एनीवे ये स्टॉप लॉस है। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे का मैंने जरूर छोटा दिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी पर वॉलिटिलिटी ज्यादा है, मुझे लोगों को नुकसान नहीं करने देना है, बैंक निफ्टी में नुकसान करने मेरा बड़ा दिल दुखता है, मैं और कहीं, हाँ मतलब देखो स्टॉक्स में तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, हमारी भी रिकमेंडेशन कई बार फेल होती है, मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि स्टॉक्स का वो स्ट्राइक रेशियो है नहीं, और वो सबके साथ है, हो सकता है मेरे साथ थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर कॉल गलत जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इसके तो डेटा इस तरह से मुंह जवानी है, एक्शन पता होता है, स्क्रीन बताती है, तो यहाँ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बैंक निफ्टी में लोग लॉस करें, खासतौर से जिन्होंने कल परसों में 2 दिनों में तेजी की पोजिशन बनाई है। और आपको पता है जो हम बात भी कर रहे, जैसे ही हिंदुस्तान की धरती पे उतरे एयरपोर्ट पर 30,250 से 30,900 का टारगेट था उस समय, बिल्कुल उस समय 650 लगभग वहां तक पहुंचा है, वहां तक पहुंचा, स्विंग के बेनिफिट मिलेगा, सारे स्विंग को जोड़ दिया जाए तो 1,000 पॉइंट से कहीं ज्यादा 1,500 पॉइंट के आसपास, 1,400 पॉइंट के आसपास, 1,400 पॉइंट 3 स्विंग मिल गई आपको। और कल आपको याद होगा, कल हमने एक भी शॉर्ट कॉल नहीं दिया बैंक, बिल्कुल नहीं दिया, कल शॉर्ट कॉल नहीं दिया, तो पूरा आप देख लीजिए, शुरुआत में भी कहा था थोड़ा रुक जाइए एक बार पक्का हो जाए फिर इसके, परसों शॉर्ट कॉल दिया था, तो कल आपको सुबह सुबह गैप से नीचे मिल गया और वापस तेजी भी बन गई, तो कुल मिलाकर ठीक है। ओवरऑल आपके लिए बैंक निफ्टी पर 30,600 आज दिन के लिए स्टॉप लॉस रखिए, छोटा है, 30,350 क्लोजिंग बेसिस पर रख लीजिए, ठीक है। सर एक निवेशक ने ना ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि बैंक निफ्टी आपको फोन करके बताता है कि मैं चलूं, ये सच है क्या, बैंक निफ्टी का फोन आता है क्या, फोन तो कहाँ से आता है पता नहीं, लेकिन मतलब वो कहते हैं आकाशवाणी होती है नहीं, इसमें सिंपल दो चीज़ है, डेटा और स्क्रीन रीडिंग, इसका मिक्स जी जी। और एक चीज़ ये होता है ना कि कभी कभी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, ज़्यादा जानने समझने लगते हैं, तो फिर उस पर एनालिसिस आपका ज़्यादा बेहतर हो जाता है, तो वो आप बैंक निफ्टी के साथ जोड़ सकते हैं कि हाँ मोह है आपका, बैंक निफ्टी मोह है, इस माया के साथ मोह है, इस माया के साथ मोह है, ठीक है सर। अच्छा ये जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस है उनको क्या करना है, वैसे तो लगी होंगे सब, सारे निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग सारा कट चुका है, अब अगर किसी का शॉर्ट है तो उनकी मर्जी से, हमारे लेवल की वजह से नहीं, हमने तो जो लेवल दिए थे वो सारे कल क्लोजिंग बेसिस पर हो गए, और ऐसे में आपकी शॉर्ट पोजीशन कायदे से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सर नई पोजीशंस बनानी हो 11800 के आसपास निफ्टी खरीदिए, 11690 दूर है स्टॉप लॉस 110 पॉइंट का, लेकिन आपको यही रखना है 11850, 11900, 11925 देखने पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो
फेवरेबल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो मत लीजिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। ऐसी बात है, मैं तो जो लेवल दिखेंगे वही बताऊंगा आपके लिए। मैं लेवल तो चेंज नहीं करूंगा, और मैं कौन हूँ चेंज करने वाला? जो लेवल मार्केट के निकल के आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। मैं फिर कहूंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, आपको लेना तो लीजिए 11690 का स्टॉप लॉस है, 11800 पे लीजिए, 850 900 925 तीन टारगेट के लिए। ठीक है सर, शॉर्ट भी करना है? बिल्कुल करना है, 11900 11925 आएगा तो 100% शॉर्ट करना है। 12000 से पहले शॉर्ट होगा एक बार? बिल्कुल, 12000 को ऐसे हम जल्दबाजी में पार करने की ऐसा, फिर देखो वापस आशु जी का भी तो शो हो गई कभी तो। हाँ, ये बात भी है। ऐसा थोड़ी कि शो नहीं होगा। हाँ। कल नहीं किया यार, चेक कर लेते कि आज ही ना हो गई आशु जी। नहीं नहीं, मजाक की बात है, लेकिन हाँ 12000 के आसपास सप्लाई तो है। ठीक है, और ये पिछले बुधवार को आपने 12000 का हाई बनाया था जिस दिन मैंने शो नहीं किया था। ठीक है, मंगलवार तक मैंने शो किया था, बुधवार के दिन मैंने शो नहीं किया, बुधवार के दिन 12000 का हाई है, वहां पर रुकेगा। 12000 का स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट कीजिए 11850 11825, मिनिमम इतना तो मिलना चाहिए। ठीक है सर, बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी आपको खरीदना है 30500 30600 की रेंज में मिले, थोड़ा एग्रेसिव है इस रेंज में खरीदना, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो रेंज बहुत नीचे की आ रही है, लेकिन हम यहीं से शुरुआत करेंगे खरीदने की। स्टॉप लॉस दूर है 30350 का, 30700 30825 30900। मैं फिर से ये कहूँगा, जिन लोगों को तेजी की पोजिशन बनानी है उनके लिए स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से फेवरेबल नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपको सही लगाने तो यही है, या फिर दूसरा तरीका है कि आपको रिस्क नहीं रखनी है डिम्पी, तो मैं फिर दूसरा तरीका बताता हूँ जिसको आप कहते हैं आर्बिट्रेरी स्टॉप लॉस, यानी कि अंदाज से। अंदाज से स्टॉप लॉस फिर ये होता है कि जैसे सपोज आप 30500 30600 की रेंज में आप बैंक निफ्टी खरीद रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का हो गया 30450 का, ये आर्बिट्रेरी अंदाज से। ठीक है, बैंक निफ्टी सपोज आप 11800 पे खरीद रहे हैं, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आर्बिट्रेरी हो गया 11750, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, मतलब कोई वैलिडिटी नहीं है कि आप क्यों लगा रहे हो। लेकिन आपको अगर 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रखना है और चांस लेना है खरीदने का, फिर 20-25 पॉइंट का लगा लीजिए, जो आपको ठीक समझ में कंफर्ट है, अपना कंफर्ट है। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये एक हफ्ता और स्पेशली 2-3 दिन उन सब लोगों को एक बढ़िया लेसन मिला है जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगा, अब वो भले कितने ही दुखी हो, और दोनों को मिला, दोनों को मिला है, कल मंदी वालों को मिला है, 2-3 दिन से तेजी वालों को मिल रहा है। स्टॉप लॉस आपको ये समझ लीजिए रामबाण दवा है, कड़वी है, जब लेते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है यार, मुंह कड़वा हो रहा है, लेकिन इलाज तगड़ा करती है। जिन लोगों ने 634 रुपये में अगर इंडिया बुल्स लिया है और अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो 14 रुपये जाते थे, 620 ही जाता था। बिल्कुल, 14 आप संभाल सकते हो, 140 नहीं संभाल सकते, नहीं संभलेगा। तो स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडर हैं, नहीं लगाएंगे तो आपकी गलती, फिर भले आप किसी को कोर्स लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान तो आपका हो ही गया। इसलिए मैं फिर कहूँगा आप तेजी करें या मंदी, ट्रेडर हैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे तो आप उतना बड़ा नुकसान करेंगे कभी झेल नहीं पाएंगे, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करेंगे तो उतना ही करेंगे जितना कि अगली गलती के लिए आप तैयार हैं। सर, बैंक निफ्टी को बेचना भी है क्या? बैंक निफ्टी बेचना 30931000 की रेंज में शॉर्ट करना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस 31050 का है, 30825 और 30700 इन दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की राय आपके लिए। ठीक है, जो बैंक से शेयर बाहर गए और रिलायंस इंफ्रा है और IDBI है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जो बैंक के अंदर आए हैं और रिलायंस कैपिटल है, जैन इरीगेशन है, और जो पहले से बैंक में थे वो दीवान हाउसिंग है, PC ज्वेलर्स और जेट एयरवेज है, ये बैंक के सारा टोटल 5 शेयर बैंक में हो गए, जिसमें 2 आ गए नए, रिलायंस कैपिटल और जैन, 3 पहले से इरीगेशन, तो 5 हो गए टोटल सर, तो जिस बैन में आए। अच्छा, इसके अलावा मेरे को PCR और विक्स इस पे कुछ कहना चाहिए? नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो फिर स्टॉक ऑफ द डे का बिल्कुल आज थोड़ा स्टॉक्स जानने की जरूरत, मेरे को रुक सकता जा रहा था, FIZ और FND रुक गया, लेकिन पहले स्टॉक्स बता ही दीजिए सर। टाटा मोटर्स, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है, मूडीज ने इनकी रेटिंग घटाई है और JLR के कारोबार की भी रेटिंग घटाई है, उसका थोड़ा असर आपको देखने को मिलेगा, 161 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कीजिए। आज मैं थोड़ा सा ऑटो स्टॉक्स को लेकर मैं देखना चाहता हूँ, टाटा मोटर्स और मारुति पर मेरी थोड़ी टेढ़ी नजर है। अच्छा, हाँ, कि कहीं ये कल मारुति शनि वाली नजर है, हाँ शुक्रवार को शनिवार शनि वाली नजर है, तो कहीं मुझे डर ये, कल मारुति बढ़ने के पीछे एक कारण ये भी था, लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि आज जो GST काउंसिल की बैठक है उसमें शायद ऑटो स्टॉक्स ऑटो पर कुछ GST की दरें कम हो सकती है, मेरा मानना ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है टू व्हीलर पे भी कम नहीं होगा, उसमें भी गुंजाइश तो बना रहे हैं।
अभी तक मुझे कोई ऐसा एक भी संकेत नहीं मिला है डिम्पी, एक भी इस नई सरकार से ये कहीं कोई टैक्स कम करने के मूड में हो। अगर हम मुहिम चला रहे हैं कि वित्त मंत्री जी टैक्स घटाओ, तो ऐसे ही नहीं चला रहे हैं, ये कोई कॉस्मेटिक मुहिम नहीं है, दिखाने वाली नहीं है। एक्चुअली हमें पता है कि सरकार का मूड ही नहीं है टैक्स घटाने का, और इस बजट में अगर लोग बड़ी उम्मीदों से जा रहे हैं कि टैक्स घटेगा, तो मुझे लगता है वो निराश होंगे, इंक्लूडिंग मी। या बड़ा बयान दे रहे सर। हाँ, तो अभी तक कोई, इसलिए मैं इस बात के, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आज घटेंगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकी का रहा है, टैक्स आई का रहा है, वहाँ वो तो पुश करने के लिए, शुरुआत करने के लिए कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो अभी तक जीरो टैक्स है ना, सरकार को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो पहले से कम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि टू व्हीलर फोर व्हीलर पे कहीं कोई घटेगा। आप छोड़िए उनको, ऑटो एंसिलरी 28% टैक्स लग रहा है जीएसटी, ये कौन सा लग्जरी आइटम है, उससे तो कम करो, ऑटो एंसिलरी पे ही कम नहीं हो रहा। आप कोई भी प्रपोजल ले जाइए, पहले वो पूछेंगे कि अच्छा ये तो कम कर देते हैं, इसके बजाय हमें मिलेगा कहाँ से पैसा, वो बताओ। उन्हीं से ही राय मांग रही है। आप बताओ, अच्छा ये आप बोलते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम कर देते हैं, अच्छा ठीक है कर देते हैं, इसके बजाय हमें कहाँ से मिलेगा दूसरा पैसा, वो बताओ। तो फिर क्या फ़ायदा, अगर इस पैकेट में से डालना है, इसमें से निकालना है, बात तो एक ही हुई। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई टैक्स वैक्स घटने वाला। तो ये लोग, ये कल जो, इसलिए मैं आज मारुति टाटा मोटर्स वगैरह पर थोड़ा सा कॉशियस हूँ, बट यही है दिक्कत वही है फिर से कि बहुत गैप से नीचे खुल गया, तो कुछ फायदा नहीं। 156 155 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, 161 का स्टॉप लॉस। ठीक है सर, FIs न्यूट्रल है, DIs पॉजिटिव है, FIs के आंकड़े, FIs के आंकड़े ठीक हैं, 438 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में है, लेकिन 1076 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, उस हिसाब से मैंने न्यूट्रल रखा है। घरेलू फंड के आंकड़े कई दिनों बाद बढ़िया दमदार आए, 1240 करोड़ की खरीदारी, अब मुझे नहीं पता कल कुछ ब्लॉक्स हुए या नहीं हुए, मैं इतना विस्तार में देख नहीं पाया, लेकिन आंकड़े ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिख रहे हैं। आपने निर्णायक लेवल को 11700 से 800 किया है, ये निफ्टी में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट दिखा? 11800 25 लाख शेयर हैं पुट में और 19 लाख शेयर हैं कॉल्स में है, इसलिए ये रस्साकशी वाला लेवल है, इसके ऊपर है मूड अच्छा रहेगा, 25 पॉइंट गिर भी जाए तब भी, इसके नीचे जाएंगे तो तनाव बढ़ेगा, क्योंकि फिर 11690 से 11725 की रेंज में पहुंचने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। ठीक है, ये है आपके लिए। अब आइए, पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है 1.59 पर, प्रीमियम 18 पॉइंट की बनी हुई है बैंक निफ्टी, निफ्टी में बैंक निफ्टी के लिए 30,500 इमीडिएट सपोर्ट है। अब ये महीने वाली एक्सपायरी है, लेकिन डेटा बहुत कम है, 30,500 पे 5 लाख शेयर हैं और 31,000 पे 5 लाख शेयर हैं कॉल्स में, बहुत छोटा छोटा है, तो बैंक निफ्टी में डेटा नहीं के बराबर है। ठीक है, वैसे तो रेंज आपको मोटा मोटी पता लगी गई है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, आज पूरी कोशिश होगी जैसे जैसे ट्रेड मिलता जाएगा हम आपके सामने बात रखते जाएंगे। रिसर्च टीम जुड़ चुकी है, रजत आपको खबरों वाले शेयर बता रहे हैं, पूजा भी खबरों वाले शेयर बता रही हैं, और साथ ही कुछ फंड एक्शन भी होगा, और दिवांशी के पास ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट है। रजत बताएं। बिल्कुल, इवेंट से शुरुआत करते हैं, और जैसे आप डिस्कस कर रहे थे जीएसटी काउंसिल की बैठक सबसे बड़ा इवेंट आज मार्केट के सामने खड़ा है, तो उसमें जो भी आउटकम होगा तो उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नकदी की समस्या पर बैंकों के अधिकारी आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे ये खबर है, तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े जो शेयर्स हैं वो भी आज फोकस में है। और साथ ही साथ इनसाइडर ट्रेडिंग मामले पे मन्नापुरम का जो केस चल रहा है उस पर सेबी को ये जवाब देंगे आज, ये भी एक बड़ी खबर मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर आ सकती है। ऑटो कंपनीज ये फोकस में इसलिए हैं क्योंकि ऑटो कंपनियों के साथ आज नीति आयोग की बैठक है, ऑटो कंपनियां एक तो जीएसटी बैठक के चलते और दूसरी ये नीति आयोग की बैठक के चलते आज फोकस में रहेंगे। अब एक एक करके स्टॉक बताऊं तो पहला है विप्रो, आज रिकॉर्ड तारीख है इनके बायबैक की, 325 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक कंपनी कर रही है, 10,500 करोड़ रुपए बायबैक पर खर्च किए जाएंगे, लेकिन अगर आज आपके खाते में ये शेयर होते हैं तभी आप बायबैक में टेंडर कर पाएंगे। साथ साथ जेट एवे सबसे बड़ी खबर तो इसी के लिए वेटेड थी कि एनसीएलटी में क्या निकल के आएगा, तो एनसीएलटी में ये जो जेट एवेज के खिलाफ एसबीआई ने दिवालिया होने की याचिका दी थी उसको एनसीएलटी ने स्वीकार कर लिया, यानी कि इंसॉल्वेंसी इनकी अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। अब होगा ये कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने 3 महीने के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को पूरे करने के निर्देश दिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है और इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। जेट की सभी संपत्तियां आईआरपी ने कह दिया है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, कि उनको जब्त कर लिया जाए, उसको अपने कब्जे में कर लिया जाए। तो आज जेट एवेज फिर से फोकस में है, और साथ ही साथ सरकारी बैंक में स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा गेल 1:1 बोनस शेयर्स की जो रिकॉर्ड डेट है वो तय हो गई है, अब 10 जुलाई ये रिकॉर्ड डेट है 1:1 बोनस अलॉटमेंट की। इसके अलावा सैस्कन टेक्नोलॉजीज फोकस में इसलिए क्योंकि इन्होंने बायबैक अनाउंस कर रखा है, पहले 850 रुपये का बायबैक प्राइस था लेकिन उसको घटाकर 825 रुपये कर दिया है, हालांकि 170 करोड़ रुपए ही मैक्सिमम यहां पर बायबैक पे खर्च किए जाएंगे, जो कि पहले के अनाउंसमेंट के बिल्कुल मुताबिक है, लेकिन प्राइस को रिवाइज किया गया, 850 रुपए के बजाय 825 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक कर रही है कंपनी।
मैक्लॉयड रसेल, इन्होंने फिर से अपने नतीजों की तारीख को वो टाल दिया है। अब कंपनी कह रही है कि 28 जून को अपने नतीजे जो कंपनी पेश करेगी। तो मैक्लॉयड रसेल फोकस में है और सद्भाव इंजीनियरिंग एक और छोटी कंपनी जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 2% हिस्सा इस कंपनी का खरीदा है, आज ये फोकस में रहेगा। और आखिर में मारुति सुजुकी कल जोरदार एक्शन में था, लेकिन डिजायर के दाम कंपनी ने बढ़ा दिए हैं और जो दामों में हाइक हुई है 3000 से लेकर 13000 की बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा और एमिशन जो नॉर्म्स हैं उसमें जो चेंजेस हुए हैं तो उसके चलते ये बदलाव करना बहुत ज़रूरी हो गया कंपनी का कहना है, और बढ़े हुए दाम जो है वो आज से ही लागू हो गए। ठीक है, ये जानकारी आपके पास आई है। अब पूजा से भी जान लेते हैं कुछ खबरों वाले शेयर, साथ ही उनका फंड एक्शन भी है। पूजा बताएं आप। जी, आंध्र बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। 25 जून को बैंक की बैठक होगी जिसमें कि वित्त वर्ष 20 के लिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, तो आंध्र बैंक पर नजर रखिए। इसके अलावा ल्यूपिन, पिरामल एंटरप्राइजेस और जेबी केमिकल्स, ये तीनों भी फोकस में रहेंगे। खबर आ रही है कि जेबी केमिकल्स अपना हिस्सा बेच सकती है, करीब 55% हिस्सेदारी बेचने की बात चल रही है, जिसमें कि ल्यूपिन और पिरामल हेल्थ केयर जो कि पिरामल एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी है, इन दोनों की हिस्सा खरीदने की बात चल रही है। और पिछले महीने हिस्सा बिक्री के प्रक्रिया के लिए जेबी केमिकल्स ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी नियुक्त कर लिया था। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं आज, इन तीनों कंपनियों पर नजर रखिए। इसके अलावा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा क्योंकि पेरेंट कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे काफी अच्छे देखे गए हैं, अनुमान से अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, जिसके बाद ये शेयर US में करीब 5% की बढ़त देखी गई थी। आय में करीब 1.1% की ग्रोथ और 2% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस से शेयर में कल बढ़ोतरी देखी गई थी, तो उसका एक असर आज स्टॉक में देखा जा सकता है, तो इस पर नजर रखिए। इसके अलावा कुछ प्रमोटर एक्शन भी देखे गए हैं। JSW स्टील, यहां पर प्रमोटर की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है। ब्लूफील्ड होल्डिंग्स लिमिटेड ने खुले बाजार में 13 से 14 जून के बीच करीब 2,00,000 शेयर्स बेचे, और इसके पहले 12,00,000 शेयर्स की भी बिकवाली हुई थी। तो हम देख रहे हैं लगातार प्रमोटर की तरफ से ये बिक्री देखी जा रही है, तो यहाँ नजर रखिए। अपोलो टायर्स में प्रमोटर ग्रुप ने गिरवी रखे शेयर छुड़वाए हैं। 17 जून को 34,00,000 गिरवी पड़े शेयर्स थे जो कि प्रमोटर्स की तरफ से छुड़वा लिए गए हैं, तो अपोलो टायर्स आज फोकस में रहेगा। कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर भी नजर रखिए, यहाँ पर प्रमोटर डायरेक्टर VG सिद्धार्थ ने 11 से 17 जून के बीच करीब 17,00,000 शेयर्स गिरवी रखे हैं, तो आज ये भी फोकस में रहेगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में भी प्रमोटर्स की तरफ से कुछ शेयर्स गिरवी रखे गए हैं, 18 जून को 12,00,000 शेयर्स गिरवी रखे गए हैं प्रमोटर्स की तरफ से। और इमामी में भी 4 प्रमोटर कंपनियों ने 17 जून को करीब 7,00,000 शेयर्स गिरवी रखे हैं, तो इन तमाम शेयरों पर आज नजर रखिए। ठीक है, इसमें कुछ फंड एक्शंस भी आपके सामने, सभी स्टॉक्स पर मौजूदगी चर्चा करेंगे। दिवांशी के पास रिपोर्ट्स हैं, दो तरह की रिपोर्ट्स, पहला एक सेक्टर को लेकर, दूसरा कंपनी को लेकर। तो दिवांशी, पहले जरा सेक्टर वाली रिपोर्ट जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो मॉर्गन स्टैनली के MPC मिनट्स पर जो रिपोर्ट आई है उस पर नजर कर लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि 2019 के दरमियान ही दो और जो दरें हैं वो घट सकती हैं, दो बार और, तो कुल मिला के 0.5% यहाँ पे मानते हैं कि जो दरें हैं वो घट सकती है। और साथ ही वो मानते हैं कि MPC की जो महंगाई पर फोकस था वो अब ग्रोथ पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ पर जो चिंताएं हैं वो उनकी जारी हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो महंगाई है वो थोड़ा सा रिस्क में, उस पर जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। साथ ही आज मारुति पर खबर आती हुई, जिस तरह से रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है वो काफ़ी नेगेटिव आती हुई दिखी है। आप देखिए, आज UBS ने या ओवरऑल जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस मैंने देखे हैं उसके पहली बार उन्होंने 6,000 के नीचे तक के लक्ष्य दे रहे हैं। बिकवाली की सलाह, लक्ष्य 8,000 से घटाकर 5,800 तक के दे रहे हैं। BS6 से कंपनी को ज़्यादा फायदा नहीं होगा और ऑपरेटिंग लिवरेज भी उनको नेगेटिव लग रहा है। साथ ही वो मानते हैं कि FY21 में जो डीजल मॉडल बंद करने की योजना है उसके लिए इसी के चलते उन्होंने लक्ष्य भी घटा दिया। UPL पर आज डॉयश बैंक की पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है। खरीदारी की राय है 1,050। आप देखिए, पिछले दो दिन में शेयर में काफ़ी गिरावट आई है, उसके बाद डॉयश बैंक मानता है यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। मॉरिशियस टैक्स की चिंताएं जो थी उसी के चलते यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखी है। अब यहाँ पे जिस तरह से गिरावट आती हुई दिखी है तो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव होते हुए दिखे हैं और सारी जो चिंताएं हैं वो दूर होती हुई दिख रही है। TVS मोटर पर CLSA की आज रिपोर्ट आई है, जहाँ पे बिकवाली की सलाह 360 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट FY19, यहाँ पे मैनेजमेंट का जो भरोसा है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। साथ ही वो मानते हैं कि कामकाज मुनाफा बढ़ने के बावजूद कैश फ्लो पर दबाव था FY19 में और कंपटीशन काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, तो एनुअल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उनको नहीं दिख रहा है, इसी के चलते बिकवाली की राय है। साथ ही आज गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, जहाँ पे रेटिंग घटाकर अंडरवेट कर दिया लेकिन इसके बावजूद लक्ष्य बढ़ा दिया है। वैल्यूएशंस महंगे होने के चलते उन्होंने रेटिंग तो घटाई है लेकिन
नए प्रोजेक्ट्स जुड़ने से जो फायदा है वो कंपनी को जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। फीनिक्स मिल्स पर भी आज मैक्वायरी ने अपने जो लक्ष्य हैं वो बढ़ा दिए हैं, 700 से बढ़ाकर 850 तक के नए टारगेट्स दे रहे हैं। और साथ ही आज यूनाइटेड ब्रिवरीज पर सिटी ने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं, 1620 से घटाकर 1560 कर दिए हैं। मानते हैं कि जो लागत खर्च है वो काफी बढ़ रहा है और इसी के चलते ईपीएस का अनुमान भी उन्होंने 3-5% तक घटा दिया है। ओके, तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स के दम पर दिखेगा आज भरपूर एक्शन। आइए करते हैं एक्शन की शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में संदीप वागले साहब और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश बंसल साहब और साथ ही कुणाल सरावगी जी भी, और पुणे से किरण यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही सिद्धार्थ सेदानी साहब भी अब थोड़ी देर में ही जुड़ने वाले हैं। दो येलो येलो ब्यूटीफुल फेलो। वागले साहब, आप जैसा सोचे तो वैसा मैं बोल नहीं रहा था, बाकी आप समझ तो गए होंगे, लेकिन पहले साहब आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बंसल जी और वागले साहब दोनों येलो येलो दिख रहे हैं, तो शुरुआत बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। मॉर्निंग सर, वागले साहब शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो मैं निफ्टी पे जो कल जो हुआ जी, जो हमारा व्यू था कि बॉटम बन गया, राइट, इसका मतलब ये नहीं कि वन वे हम भागेंगे, ठीक, ये आपने है। सही कहा आपके मतलब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 11,600 इतने इजीली ब्रेक नहीं होगा। करेक्ट, 11,900 पहला पड़ाव है, मे बी 12,000 हम चले जाएंगे और ये रेंज में टाइम स्पेंड करेंगे, इवेंट है। तो अभी अगले 2-3 दिन में टिल द बजट आपको दोनों साइड प्ले करने का ये मौका मिलेगा, लेकिन मेरा बायस पॉजिटिव होगा कल के बाद। ओके, मेरा आज बाय कॉल है वोल्टास पे। वोल्टास कल इतना चला नहीं जितने बाकी के स्टॉक्स जैसे कि L&T कुछ बैंक चले वैसे नहीं चलाए, तो मुझे लगता है आज इसमें मुंह आनी चाहिए। 622 का क्लोज है, मैं 613 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा। मेरा आज और मंडे का टारगेट 648 होगा। ठीक है, वोल्टास आप कह रहे हैं ना 648 रुपए का टारगेट और 613 रुपए का स्टॉप लॉस है। सर बारिशों में वोल्टास करवा रहे हैं, गर्मियां तो धीरे धीरे जा रही है, अब वोल्टास अब फिर आ रहे हैं, पहले दिलवाना चाहिए ना, 1.5 महीने पहले। गर्मी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो नहीं हो, उनका तो चार्ट पे दिखना चाहिए, चार्ट पे। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप सरप्राइज करेंगे, वागले साहब खबरें वबरे देखते भी नहीं है, सुनता भी नहीं क्योंकि और बायस हो जाते हैं। अनिल जी मुझे एक पॉइंट कहना था, सॉरी मैं मिस कर गया। कल दोपहर में विश्वेश ने जो पॉइंट रेस किया था, जो बड़ा स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस मैं सुन रहा था, मैं बोला आज आपसे आई विल टच बेस विथ यू और इस पे हम अभी नहीं बट कभी आपको टाइम मिले तो ध्यान रखिए कि ट्रेडर के लिए क्या सोच होनी चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस अच्छा है बड़ा स्टॉप लॉस अच्छा है, इस पर एक बहस होनी चाहिए और सबके व्यूज लेने चाहिए। मेरा मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं अभी की बात नहीं करता हूँ, जब आपके अच्छा आइडिया है। और लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा सजेशन है, बहुत बढ़िया बात है और ये फायदे की बात भी होगी कि और ये एक और चीज है, नामकरण तो कर ही दिया, फायदे की बात। तो किसके लिए लंबा स्टॉप लॉस अच्छा है, किसके लिए छोटा स्टॉप लॉस अच्छा है, कौन सा सही होता है कौन सा गलत होता है, इस पर कभी एक बढ़िया चर्चा होगी सारे एक्सपर्ट्स के साथ जरूर करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ ये चर्चा बजट के आसपास की जाए, बिल्कुल पहले कर ली जाए। ओके, लेकिन इस बीच चलते हैं बंसल जी के पास। आज पहले येलो कलर का दिन है तो वागले साहब के बाद बंसल जी। बंसल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पिक ऑफ द डे से पहले एक चीज आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, शायद आपकी नॉलेज में है कि नहीं। अनिल जी कल मार्केट में बहुत अच्छी रैली आई, आपने तो एकदम बॉटम पे बोला कि जितने छोटे मझोले गंदे वाले काउंटर हैं हाई डेट वाले वहां से निकल जाइए। और अनिल जी कल बिगेस्ट एवर कैजुअलिटी हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेलर्स की। अनिल जी जो लोग नेकेड ऑप्शन बेचते हैं, बिगेस्ट एवर कैजुअलिटी हुई है और लोगों को काफी घाटे हुए हैं। जितने फोन कल अनिल जी मेरे को और कुणाल जी को शाम को आए तो मतलब कि मुझे खुद आश्चर्य हुआ। और यही अनिल जी कहना चाहूंगा, देखिए आप, हम तो कभी इस चैनल पे कोई भी नहीं बोलता है कि नेकेड ऑप्शंस को बेचिए, लोगों ने छोटे छोटे पैसे के लिए आउट ऑफ द मनी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की ऑप्शंस बेच रखी थी और बिगेस्ट एवर कैजुअलिटी हुई अनिल जी कल।
नहीं है, लेकिन जब आप बेचते हैं तो फिर उसके बाद आपको या तो स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए, और जब ऑप्शन आप बेचते हो तो आपकी प्राइस के ऊपर निकलने लगे तो आपको फ्यूचर से हेज करना जरूरी है, वो कवर कर लो ना, किसी कवर करना चाहिए किसी न किसी तरीके से आप, ठीक है। बट एक चीज है, वो तो अपनी जगह अपनी अपनी ट्रेडिंग टेक्निक है कौन कैसे करता है, लेकिन बंसल जी डायरेक्शन ये हमने क्लियरली दे दिया था कि भाई आपको न तो कमजोर क्वालिटी के शेयरों में मंदी में रहना है। कल हमने क्लियर कट 10:15 बजे ये बहुत बोल्ड कॉल था कि आपको सारे शॉर्ट्स काट लेने चाहिए कमजोर क्वालिटी के शेयरों में, नहीं तो इन शेयरों को कभी हम देखना और खरीदने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये भी पसंद नहीं करते। और जो अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी है, वहां पर बहुत सही लेवल पर आपको तेजी करने की राय दी, 11650 पे आप निफ्टी ले लीजिए, 30250 पे बैंक निफ्टी ले लीजिए। मुझे नहीं लगता कि हम इससे कोई बढ़िया और राय दे सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा उम्मीद हमसे करना हमारे लिए गलत, हमारी कैपेसिटी भी नहीं है और खुल्लम खुल्ला हमारी नहीं है, ये तो ये हो गया तो ठीक है। एक चीज ऐड करूंगा जी, चार्ट्स पे बहुत बाद में आया, आपने 10:15 बजे वो जायज भी है, चार्ट्स पे नहीं आना कोई गलत नहीं है, मैं मानता भी नहीं, चार्ट्स पे किस वजह से आएगा, 30250 पे बाइकुल नहीं आ सकता, और अगर आता है तो उसको चार्ट पढ़ना नहीं आता फिर। अगर उस किसी चार्टिस्ट के 30250 पे बाइकुल आ रहा है, इसका मतलब उसको चार्ट नहीं आता, ये बात सही है। तो कोई वो ये तो सबका अपना अपना तरीका है करने का, कोई एनालिस्ट किसी तरह से करेगा, कोई एनालिस्ट किसी तरह से करेगा। एनीवे बंसल जी बताइए आपका स्टॉक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा स्टॉक ऑफ द डे वही है जो कल हमने चार्ट कॉर्नर पे दिया था मैंने और कुणाल जी ने, हेक्साबेयर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है ये स्टॉक 400 की तरफ जाने का दमखम रखता है। 368 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 394 से 400 के जोन के लिए हेक्साबेयर पे खरीदारी की राय है। ठीक है, हेक्साबेयर खरीदेंगे बंसल जी? बिल्कुल अनिल जी, हेक्साबेयर खरीदेंगे और इसमें मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मुनाफा होता है तो ऑल क्रेडिट टू रजत अनिल जी। अच्छा, तो वेल्थ तो ये बन जाएगी, और हेल्थ के लिए क्या करेंगे बंसल जी? बंसल जी बहुत कुछ करते हैं। देखिए अनिल जी योगा है, अनिल जी देखिए अनिल जी योगा है, आप देखिए योगा तो जितना जल्दी आदमी शुरू करे सेहत सुधरती है, और मैं तो अनिल जी कंटिन्यूअसली हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं करता हूँ। और आपको अनिल जी एक चीज बताऊंगा, देखिए आपके जितने पैनलिस्ट हैं जी, किरण जो है काफी हेल्थ कॉन्शियस है, और एक सचिदानंद जी वो एकमात्र नहीं, अनिल जी सचिदानंद तो आपके वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, लोग चाय पर कॉफी पर ड्रिंक्स पे बुलाते हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आइए हम 80 किलोमीटर की साइकिलिंग पे जा रहे हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। ऐसा वाह भाई सर, आप साइकिल पे पीछे बैठ जाना फिर आप। हाँ लेकिन ये देखो सियाचिन में लोग योग करते हुए दिख रहे हैं, ये कुछ आपको ताजा तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, देखिए जहाँ चारों तरफ बर्फ है, मेरे ख्याल से विश्व में सबसे ऊंचाई पर कहीं आज योग हो रहा है। हाँ। तो ये है सियाचिन में, आप देख सकते हैं तस्वीर, माय गुडनेस सर, इसमें तो गर्मियों में भी टेम्परेचर माइनस से बाहर नहीं आता। हाँ वहाँ पे वहाँ की गर्मियां भी माइनस में ही रहती है। माइनस सर्दियां भी होती है। हाँ सर्दियां तो -50 से 40-50 तक चली जाती है, वहाँ की तो गर्मियों में भी ये माइनस से प्लस नहीं। लेकिन सोचिए जिन लोगों में उत्साह है वो उत्साह आप देख सकते हैं, लेकिन उत्साह हमारे बंसल जी में कम नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बंसल जी, एक चीज है लिव लाइफ किंग साइज जैसा है, सब चीज करता है, कैसे टाइम मिल जाता है इनको, गपशप करने का गॉसिप करने का भी टाइम मिलता है। हाँ। तो गोल्ड का चार्ट भी देख लेते हैं, क्रूड का भी देख लेते हैं, इक्विटी के तो देखते ही हैं, और ये देखिए। हाँ। बंसल जी योग नहीं कर रहे हैं लेकिन ये लगता है जिम में है। हाँ जिम में है सर, जिम में, जिम में। हाँ बिल्कुल एकदम फोकस, देखिए बंसल जी का फेस देखिए आप, गजब के फोकस के साथ करते हैं। लेकिन बंसल जी नहीं, हमारे कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमें अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं, आइए आपको कुछ और ऐसी तस्वीरें बता दें, और आप भी अपनी तस्वीरें भेजना चाहें आज भेजिए। ये हैं धीरेंद्र बंगलुरु से, जो प्राणायाम करते हुए अपनी तस्वीर उन्होंने भेजी है। धीरेंद्र जी वेरी गुड, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्राणायाम। टेक्सस यूएसए से आई है ये तस्वीर, वाह गजब। राजश्री पटेल, हाँ रात होगी, लेकिन राजश्री जी जी बिजनेस हमेशा रात को ही देखती हूँ, क्योंकि वो तो समय का तो है ही फर्क है, लेकिन वो देखिए उन्होंने टेक्सस से, मतलब आप अमेरिका में भी जी बिजनेस देखने वाले लोग हैं। अच्छा ये सेठी साहब ने बड़ी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, मैंने आज जितनी तस्वीर देखी ना उनमें सबसे प्यारी तस्वीर ये है, देखिए छोटा सा बच्चा देखिए किस तरह से योग कर रहा है, ये संस्कार है जो सेठी जी दे रहे हैं अपने बच्चों को, बहुत अच्छी बात है कि आप इस उम्र से ही बच्चों को योग सिखा रहे हैं। तो मतलब मैं सेठी जी ये कहूंगा कि पिक ऑफ द डे आज ये है, बच्चे की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि मजाक है, आप देखिए कितने अच्छे तरीके से बच्चा आपको योग करता हुआ दिख रहा है, बहुत खूबसूरत, बेहद
बेचारा ऐसी तस्वीरें देख लेना आपका मन खुश हो जाता है एकदम, ऐसा लगता है कुछ आपने अच्छा देखा है आज, कुछ पॉजिटिव देखा है। आप भी भेज सकते हैं अपनी तस्वीरें, देखिए वो हैशटैग यूज कीजिए नीचे जो लिखा है ना लेफ्ट हैंड साइड में योगा एट योर डेस्क, इससे क्या होगा कि आपकी तस्वीरें हम जल्दी से कैप्चर कर लेंगे। तो आपकी तस्वीरें हम आज दिन भर दिखाएंगे और दिन भर हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से जी बिजनेस की पूरी टीम आपको योगा करते दिख रही है। और हमारी टीम के 3 सदस्य हैं, उन्होंने सूर्य नमस्कार किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूर्य नमस्कार किया है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और सर देख ले अभी देख ले अभी आइए तो देख सूर्य नमस्कार दिखाएं। तो हमारी ऑफिस की 3 मेंबर्स सृष्टि शर्मा, मानसी दवे और दिव्या कपाड़िया तीनों ने आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाया। लेकिन हमारी ऑफिस की योग गुरु है सपना, वो अभी थोड़ी देर में आपको योग सिखाने के लिए आ रही है। डिम्पी जी तैयार है? मैं सब बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल तैयार। मतलब चलिए तो डिम्पी जी भी सर ऑफिस योगा ठीक है, ऑफिस योगा ठीक है। हाँ, आपको घर पे जाके तो कोई काम करना ही नहीं, मतलब बैठे बैठे ऐसे कुछ हो जाए ना कि बैठे बैठे हो जाए, मतलब डेली की अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप ऑफिस में काम काज करते हुए किस तरह से योग कर सकते हैं उसकी तैयारी है। चलिए उसकी तैयारी करें, आगे बढ़े उससे पहले किरण जी के पास चलते हैं जो खुद एक बड़े फिटनेस फ्रीक है। दौड़ लगा किरण जी कितने, 8-10 किलोमीटर रोज दौड़ लेते हैं? 8-9 किलोमीटर हो जाता है। कैसे कर लेते हैं? नहीं कैसे कर लेते हैं आप, ऐसे नहीं है, पर फिटनेस अगर है तो माइंड फिट रहता है, बॉडी फिट है तो माइंड फिट है तो आपके कामकाज में भी एक इजाफा होता नजर आता है, तो इसीलिए वो सब करना ही पड़ता है। नहीं माइंड फिट तो टारगेट हिट नहीं तो स्टॉप लॉस हिट, तो इसलिए सर मैंने किरण जी की बात सुन के हैरान हूं, ये कहते एक दिन में 7-8, मेरे तो कई बार महीने में नहीं होता 7-8 किलोमीटर। नहीं एक जमाना था डिंपी जी का भी, जब डिंपी जी बताते इतिहास, अब कहते हैं हमने देखा तो नहीं, तस्वीर ला के दिखाऊंगा। हां नहीं वो सर्टिफिकेट भी ला के दिखाऊंगा, तस्वीरें भी ला के, मान रहे हैं बिल्कुल मान रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक नेशनल लेवल के रनर आपको पता है? बताइए डिंपी जी। सर मैं एथलेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूं और मैं बैडमिंटन में स्टेट चैंपियन हूँ। एक वो आपने डायलॉग सुना है, खंडर बता रहा है कि इमारत कभी बुलंद थी। तो कहाँ खंडर वाली बात है? नहीं लेकिन सर अभी खंडर वंडर नहीं है, बस थोड़ा सा देखो अभी जोश दिलाने की जरूरत है डिंपी जी को, जोश दिलाए। देखिए फिर रोज है ना घर से ऑफिस दौड़ के आते हैं या नहीं? नहीं सर ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। आइए किरण जी से लेते हैं उनकी पिक। किरण जी बताइए, मेरे से बात हो रही है? हाँ किरण जी, स्टॉक ऑफ द डे के लिए मैं भेल चुन रहा हूँ। भेल एक काउंटर है जहां से एक बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुकी है करीबन 68 लेवल्स पे, तो उसके बाद कल एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक उछाल देखने को मिला और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को आ रहा है। तो मेरा मानना है कि 68.50 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने चाहिए। आपके पहला टारगेट 73 आज के लिए होगा और 2 दिनों का टारगेट 77 होगा। ठीक है, कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सर बताएं आपका आज कौन सा शेयर दे रहे हैं? देखिए सभी योगी महात्माओं को, अनिल जी टिंपी जी आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। आप लोग इतनी इतनी योगा कर रहे हैं और योगा की चर्चा भी कर रहे हैं तो इससे मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत ग्लानी होती है टिंपी जी सुन करके। ना ग्लानी मत कीजिए, शुरू कीजिए बस। कुणाल जी शुरू कीजिए, शुरू करने के लिए सिंपल है। जी जी कल मैंने शुरू करने का प्रयास किया था अनिल जी। हाँ तो मैं देखिए बैठा और मैंने जो है ध्यान लगाया, क्योंकि मुझे बताया गया है कि सबसे पहले ध्यान लगाना जरूरी है योगा करने के लिए। अब ध्यान लगाया तो ध्यान में अनिल जी केवल निफ्टी आती है तो निफ्टी के इसका क्या इलाज है अनिल जी बताइए। नहीं नहीं आप सही जा रहे हैं, आप यही ध्यान लगाइए, यही वाला ध्यान आपका हमारे काम आएगा। तो निफ्टी का ध्यान एकदम बराबर से लगाइए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप कहते हैं मंदी खत्म हो गई, कल का बोल कॉल था कि बॉटम बना चुका है मार्केट,
तो आज वागले साहब भी यही बात, वागले साहब भी कल भी कह रहे थे। तो कुणाल जी आप जो कर रहे हैं एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, बाकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा आप चाहें तो बंसल जी को बोल दीजिए, आपके भी आप पे बंसल जी 15-20 मिनट ज्यादा जिम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं तो वो चलेगा। बताइए सर आज आपका स्टॉक कौन सा है? अरे जी आज मैं बजाज फाइनेंस को दोबारा रेकमेंड करूंगा, कल भी मैंने और बंसल जी ने इस पर खरीदारी की राय दी थी। बजाज फाइनेंस में बड़ा ब्रेकआउट आया है और अगर बाजार यहां से तेज होता है तो बजाज फाइनेंस डेफिनेटली आपको और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। ये स्टॉक अगर आप देखें तो बाजार में जब गिरावट भी आई इसको हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा, मामूली सा कंसोलिडेशन स्टॉक में देखा गया और अब इसमें दोबारा कल के ट्रेड में हमने एक ब्रेकआउट देखा है। तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस फिर से नए कीर्तिमान बनाएगा, इन स्तरों पर खरीदें। यहां पर 3540 रुपए पर फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखें और 3660 रुपए का आज के लिए टारगेट रहेगा। इस बीच सिद्धार्थ सिडानी भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ खैर फिटनेस फ्रीक तो है ही हैं और उनके शेयर भी क्या गजब के चलते हैं, L&T हो या फिर इससे जुड़े कुछ और शेयर्स हो, ये हेल्दी शेयर ही लेते हैं, हेल्दी शेयर ही लेते हैं। हाँ, इनका ये बड़ा आराम है। आपने सही नाम दिया, हेल्दी शेयर। तो सिद्धार्थ जी आज आपका इस लिस्ट में हेल्दी शेयर कौन सा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, डिम्पी जी। मॉर्निंग सर। आज योग दिन है, योग दिवस है, बट मैं इसके साथ बोलूंगा आज फंडामेंटल एनालिस्ट का भी दिन है, कोरिलेशन है इसके बीच में। तो बताइए सर वो कोरिलेशन वो है कि फंडामेंटल एनालिस्ट लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ फंडामेंटल एनालिस्ट लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करते हैं और योग भी हम करते हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ रखने के लिए, अच्छी रखने के लिए। तो कोरिलेशन ये है कि आज फंडामेंटल का भी दिन है तो उस हिसाब से पिक ऑफ द डे की बात अगर करें तो वो होगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का किंग सीमेंस इंडिया। सीमेंस हमें लगता है कि 1640 के लक्ष्य से जरूर बाय करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज कि बहुत बड़े रेलवेज के ऑर्डर्स की जो बेनिफिशियरी है वो सीमेंस है, दूसरे इंडस्ट्रीज के भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं और करीबन मिला ले तो 13,000 करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर बुक अभी सीमेंस के पास है वो आने वाले 2 सालों के लिए रेवेन्यू पूरा कर सकता है सीमेंस का। मैं मानता हूं कि केपेक्स साइकिल अब भारत में आने वाले 3 महीने में शुरुआत हो सकती है और केपेक्स साइकिल का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी सीमेंस इंडिया, मल्टीनेशनल कंपनी, 1640 के लक्ष्य से आप जरूर बाय करें। 1640 के लक्ष्य के लिए बाय करें, शरीर और शेयर दोनों को स्वस्थ रखें। आज ज्यादातर शेयर्स आपको उसी तर्ज पे भी दिए जा रहे हैं। जल्दी से मैं एक दो शेयर जरा और पता कर लेता हूँ। ये टाटा मोटर्स पे JLR को लेकर इतनी दिक्कतें हैं कि मूडीज ने कहा कि हम अपनी रेटिंग ही घटा देते हैं। वागले साहब बहुत ज्यादा दिक्कत है या फिर थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत है? पैटर्न तो वीक ही है बट इतने ये लेवल पे इतने गिरने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से 30-40 तक का वन वे जाएगा, ये नहीं होगा। बट 150 के लेवल्स डिम्पी मैं समझता हूँ एक बार ब्रेक होंगे तो फिर 130 तक भी जा सकता है, अभी 159-160 के आसपास है। ठीक है, पहले तो 150 का है बेसिक, 150 ब्रेक होगा फिर और नीचे जाएगा टिल मान के चले 150 तक ही जाएगा।